रबाली एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुना रजिस्टर क्रमांक 211/24 अंडर सेक्शन 307, 323, 564, 564, 34 रेड विथ आर्म्स एक्ट 3425 ये दाखिल किया है। फिरियादी के कंप्लेंट के ऊपर गुना दाखिल किया है। ये घटना 3 तारीख को 3-5 को रात के 1:30 या 2 के बीच में हो गई थी। उस वक्त फिरियादी जहाँ रहता है उसके घर पे जाके ये आरोपी लोगों ने उसको हनमार करके उसको कोयता दिखाया, उसको गन दिखाया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिल गई पुलिस तुरंत वारदात की जगह पे पहुंच गई और आरोपी को ढूंढ के उसमें से 2 आरोपी को अटक किया है, उनके तरफ से कोयता रिकवर किया है। एक जो वांटेड आरोपी है उसके लिए टीम भेजी है, उसको भी अरेस्ट करके उसके तरफ से भी जो वेपन यूज किया है वो भी हम रिकवर कर रहे हैं। एक गन दिखाने की वजह क्या थी और ये आरोपी कहाँ के रहने ये वाले? आरोपी का एक्चुअल एड्रेस है कड़वा, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बाउंड्री के ऊपर का रहने वाला है और वो ऐसा थोड़ा सा दादागिरी टाइप का आरोपी है, तो उसको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। फिरियादी ने ऐसा आरोप लगाया कि फिरौती मांगने आए थे वो लोग, फिरौती रात मांगने आए थे। रात के 2 बजे फिरौती मांगने का कोई विषय नहीं है, वो पी के नशे में थे, उसके ऊपर से उन्होंने वहाँ झगड़ा हो गया और उसके ऊपर से ये गुनाह हमने खुद दाखिल किया है और उसको जल्दी जल्द आरोपी का हम अरेस्ट कर रहे हैं। ये आरोपी का बैकग्राउंड क्या क्रिमिनल ही है, इनमें आरोपी क्रिमिनल कोई है? का हमें आरोपी का बैकग्राउंड पहले 2021 में एक हमारे पास गुना था, उसमें रबाले पुलिस स्टेशन में, बाजू के पुलिस स्टेशन में भी एक गुना है, तो उसमें हमारे गुने में अरेस्ट करने के बाद हम उसको भी उधर ट्रांसफर कर रहे हैं।